तो इसमें जी 0.20 ये डालते हैं कराची का जापान का, तो ये भी हम इसमें जापान का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौधरी ऑटो ट्रेडर एंड वेलकम विद अनदर ब्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह आज 14वां रोज़ा है, 14th रमज़ान है और काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त रमज़ान गुजर रहा है सो फार। मौसम बहुत अच्छा है अब तक और कुछ एहसास भूख का या प्यास का नहीं हो रहा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े हैं हमारे लिए जो अल्लाह ताला ने हमें इस दफ़ा नसीब फरमाए हैं। और आगे पता नहीं इंसान हमारी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद हम ये करेंगे अच्छे की। तो आगाज़ कुछ इस तरह हुआ है कि वो सुबह मैं अर्ली आया हूँ और कुछ सामान डिलीवर किए थे, वो अभी लड़के गए में डिलीवर करके आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी एक गाड़ी आई हुई है, उसको अभी टोयोटा गाड़ी है, रेस टोयोटा रेस जापान की गाड़ी है, तो उसके लिए फ़िल्टर उनको नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, तो उनको किसी ने कहा कि चौधरी ऑटो पर जाएँ पेशावर, तो वो अभी आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्टर उनको लगा के दे दिए, एसी फ़िल्टर एयर फ़िल्टर दोनों भी इधर ही इनको यहाँ पर ही इंस्टॉल करके देते हैं, तो आपको मिलाते हैं इनसे जी। हमारे पास टाइम आई है टोयोटा रेस 2020 मॉडल है टोयोटा रेस, इसके लिए एयर फिल्टर चाहिए था तो वो इनको भी लगा के दिए, फ़िल्टर इनको भी नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, बड़े दूर से आए हैं तो हमारा नाम सुन के आए हैं चौधरी ऑटो का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल्टर इनको लगा के दे दिया। अब एसी फ़िल्टर मांग रहे हैं, एसी फ़िल्टर भी इनको यहाँ से अरेंज कर देते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जहाँ से भी कस्टमर आएगा उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा जी, ये एसी फ़िल्टर भी इनको अभी यहाँ से हमने दिया है ये वाला, तो ये फ़िल्टर भी इनकी गाड़ी में लग गया है अभी, टोयोटा रेस है इनकी माशाल्लाह। और अभी कह रहे हम आइंदा यहाँ पर ही आएंगे, ऑयल वगैरह भी यहीं से बदलेंगे। तो आज माशाल्लाह 14th रोज़ा है और पीर का दिन है, सुबह सवेरे अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है, कुछ डिलीवरी वगैरह भी स्टार्ट भेजी है, अभी एक वर्कशॉप में जिक का ऑयल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर भिजवा दिए और इनका भी फ़िल्टर चेंज कर दिए तेरी। अच्छा, तो अभी एक हमारे पास माशाल्लाह जापान संभल गाड़ी आई है, हाइब्रिड गाड़ी है, सुजुकी की है, बड़ी स्पेशल सी गाड़ी है, आपको उसकी सैर भी कराते हैं और इसमें भी ऑयल और फ़िल्टर चेंज करना है, वो भी चेंज करते हैं इंजन ऑयल और फ़िल्टर। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस गाड़ी को, जापान की बड़ी स्पेशियस कार है, सीट देखें यार माशाल्लाह कितनी खुली है, छोटी सी गाड़ी है और स्पेशियस है। फुल ऑप्शन। अच्छा, तो इसमें जी 0.20 ये डालते हैं कराची का जापान का, तो ये भी हम इसमें जापान अच्छा जी। निशान आ गए हैं जी सदर से स्टॉक लेके, हमारा जो सामान हमारा कम था अपडेट करके आए हैं जी अभी सदर से, और ये उस्ताद को एक फ़ैन बेल्ट दिए अभी यहाँ पर ये ले जा रहे हैं इंजन की फ़ैन बेल्ट। इसमें हमारा जी पावर ऑयल कम थे, कुछ गैसकेट थी, ब्रेक पैड वगैरह थे, तो ये सामान जैसे अंदर आता है तो आपको अनबॉक्स करते हैं बताते हैं, ठीक हो गया। तो रमज़ान है, काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है फ़िलहाल, अल्लाह पाक खैर अफियत डाले अभी कि काम में थोड़ी तेज़ी पैदा हो, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान का महीना है सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, काम जो है बाकी सारा साल होता है 11 महीने, एक महीना जो है वो होता है इबादत के लिए, तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि काम है नहीं है, बस हमें करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इबादत। अच्छा जी, ये सामान हमारा भी अनबॉक्स हो रहा है, तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें आया जी कूलेंट आ गया 1 लीटर, टोयोटा का हमारे पास इस वक्त स्टॉक में नहीं था 1 लीटर, तो 1 लीटर कूलेंट आ चुका है, ठीक है टोयोटा का। और इसके अलावा ATF हमारे पास आ गया है DW1, ये स्टॉक में थोड़ा कम हो गया था। इसके अलावा एक हेड गैसकेट आई 2ZR इंजन के लिए, 2ZR ये हमारे पास स्टॉक में ख़त्म हो चुकी थी, तो वो गैसकेटें आ गई हैं। सस्पेंशन ऑयल लैंड क्रूजर के लिए ये रेयर सस्पेंशन ऑयल होता है, 2.5 लीटर ही आता है सस्पेंशन में, और ये भी स्टॉक हो चुका है टोयोटा
और इसके अलावा प्लग्स हैं, ये हमारे पास ख़त्म थे, प्लग्स भी आ गए हैं जी ओरिजिनल। और ये प्राडो के और वीगो के ब्रेक पैड हैं फ्रंट, ये भी स्टॉक में ख़त्म थे, भी आ गए हैं। इसके अलावा रेयर ब्रेक पैड भी आ चुके हैं XLI के लिए, तो ये चीज़ें स्टॉक में आ चुकी हैं जी। और ये लड़के अभी इसको अपने अपने खानों में लगाएंगे। अच्छा जी, कुछ और सामान भी अभी आ चुका है जी हमारे, ये कुछ कार्बोरेटर स्प्रे वगैरह थे, डैशबोर्ड स्प्रे वगैरह, गार्ड के फिल्टर थे, और हेवलिन ऑयल था 1040, अब टाइम से नहीं था ये, डेलो गोल्ड आ चुका है, और इसके अलावा हेवलिन 2050 भी स्टॉक में आ गया है, ठीक हो गया। तो ये कुछ चीज़ें और भी स्टॉक में भी आई हैं, और ये लाने वाले हैं जी हमारे राइडर साहब। तो ये तमाम चीज़ें भी अपने अपने खानों में लगा देंगे, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से हमारा ये दिन गुजरे। अच्छा, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और यहाँ पर हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। और इंशाल्लाह कल कुछ नई इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट्स के हवाले से। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और ये है मेरी सलीना का कमरा, रूम, छोटी हमारी सलीना जान का, अल्लाह हाफिज़।